जब हम इंसान के रूप में पैदा होते हैं तभी जीवन जटिल हो जाता है। अगर हम धरती के किसी दूसरे जीव की तरह यहां आए होते, पेट भरा है तो जीवन सेट है। जब हम इंसान के रूप में आते हैं तो पेट खाली होने पर सिर्फ एक समस्या है, पेट भर जाए तो 100 समस्याएं होती हैं, क्योंकि जिसे हम इंसान कहते हैं उसकी शुरुआत वाकई तब होती है जब जीवन चलाने का प्रबंध हो जाता है, जब जीवन यापन होने लगता है। सिर्फ तभी मनुष्य होने की खूबियां व्यक्त होती हैं। जब तक हम जीवन चलाने के लिए मेहनत करते हैं, हम भी किसी अन्य जीव की तरह बस एक जैविक इकाई हैं। तो मनुष्य होने का क्या मतलब है, इसका महत्व क्या है? क्योंकि हर दूसरा जीव वो सब कुछ कर सकता है जो ज्यादातर इंसान कर रहे हैं, बिना इतने झंझट के। हम पैदा होते हैं, वो भी पैदा होते हैं बिल्कुल हमारी तरह। हम बहुत हंगामे के साथ बड़े होते हैं, वो ज्यादा हंगामा किए बिना बड़े होते हैं। हमारे लिए पैसे कमाना इतना बड़ा काम है, वो सभी खुद अपना जीवन चलाते हैं। हम बच्चे पैदा कर सकते हैं, वो भी बच्चे पैदा करते हैं। हम मरते हैं, वो मरते हैं। ये सभी काम हम बहुत ही हंगामे के साथ करते हैं, वो ज्यादा हंगामा किए बिना, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना अपना जीवन चलाते हैं। हर चीज एक बड़ा झमेला है। ये ऐसा इसीलिए है कि इंसानी जीवन बस जीवन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने से तृप्त नहीं होता। अगर हम बस अच्छा खा लेते और सब ठीक हो जाता तो दुनिया को खाना खिलाना बहुत सरल होता, लेकिन यह सच नहीं है, क्योंकि हर दूसरे जीव के लिए प्रकृति ने दो रेखाएं खींची हैं जिनके अंदर ही वो जीते हैं और मरते हैं। इंसान के लिए सिर्फ नीचे की रेखा है, ऊपर कोई रेखा नहीं है। वो किसी भी चीज की आकांक्षा कर सकता है। ऊपरी रेखा ना होने की वजह से लोग संघर्ष कर रहे हैं, या दूसरे शब्दों में हम जिस चीज से संघर्ष कर रहे हैं वो हमारे बंधन नहीं है, जैसा कि आमतौर पर लोग कहते हैं। हम वास्तव में अपनी आजादी से संघर्ष कर रहे हैं। हम खुद को कैसा भी रूप दे सकते हैं, यही हमारा संघर्ष है। अगर हमारा जीवन हर दूसरे जीव के जीवन की तरह तय होता तो हमारा भी पेट भर जाने पर हम शांति से बैठ जाते हैं ना। क्या आप देखते हैं कि अगर हमारे जीवन केचुए या टिड्डे या कुत्ते या बिल्ली के जीवन की तरह सीमित होते तो हमें कोई समस्या नहीं होती, पेट भरते ही सब ठीक हो जाता। क्योंकि हमारे जीवन सीमित नहीं है, कोई ऊपरी रेखा नहीं है, इसीलिए हम किसी भी चीज की आकांक्षा कर सकते हैं, यही हमारा संघर्ष है। ये एक विकास से जुड़ी समस्या है, यानी हम जिस चीज से संघर्ष कर रहे हैं वो हमारी बुद्धि और जागरूकता है। शायद कुछ वैज्ञानिकों ने यह सुझाव दिया है, तथाकथित गंभीर वैज्ञानिकों ने यह सुझाव दिया है, और यह चौंकाने वाली और डरावनी बात है कि उन्होंने वाकई ये कहा है। वो बोले, बच्चे के जन्म पर अगर दिमाग की एक छोटी सी सर्जरी कर दी जाए तो हम दुनिया से ज्यादातर अपराध मिटा सकते हैं, सभी शांतिमय होंगे। वाकई अगर आप आधा दिमाग निकाल लें तो कोई भी दुखी नहीं होगा। आप उन्हें एक ट्यूब से भोजन दे सकते हैं और सभी यहां शांति से बैठेंगे। आपको किसी योग या ध्यान की जरूरत नहीं होगी अगर आप आधा दिमाग निकाल लें। अगर आप संभावनाएं मिटा दें तो समस्याएं भी चली जाएंगी, ये सभी जानते हैं। अगर आप सभी संभावनाएं खुली रख सकें और फिर भी आप समस्या ना हो तो ये होने का एक खूबसूरत तरीका है। ना संभावना है ना समस्या, ये जीवन नहीं मृत्यु है। तो इंसान की इस हालत का समाधान क्या है? क्योंकि चाहे जो भी हो जाए तृप्ति नहीं मिलती। फिलहाल इस शहर में रहते हुए आपकी जो भी आकांक्षाएं हैं, जैसे ही वो पूरी हो जाती हैं आप में अगली आकांक्षा आती है कि नहीं? इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप जीवन में कहां हैं, चाहे आप इस शहर के राजा हों या बिल्कुल निचले स्तर पर हों, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ हो। जब वो हो जाता है तो आप चाहते हैं कि अगली चीज हो, वो हो जाता है तो फिर अगली चीज। तो आप इस तरह से किश्तों में आगे क्यों बढ़ रहे हैं? मान लीजिए मैं आपको इस धरती का राजा या रानी बना देता हूं। उम्मीद से मेरी तरफ मत देखिए, क्या मैं ऐसी गलती कर सकता हूं? मान लीजिए हम आपको इस धरती का राजा या रानी बना दें,
क्या आप तृप्त हो जाएंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्या आप तृप्त होंगे? नहीं, आप दूसरे ग्रह और सितारे और आकाशगंगाएं पाना चाहेंगे, क्योंकि इंसान में कुछ ऐसा है जो किसी भी सीमा में बंधकर जीने के लिए तैयार नहीं है। वो असीम संभावना की इच्छा रखता है। अगर आप असीम को खोज रहे हैं तो उसे भौतिक साधनों के द्वारा खोजना निराश करने वाला काम है। आपकी आकांक्षा जबरदस्त है, क्योंकि अगर आप वाकई इसे देखें, यहां बैठे हुए अगर आप वाकई इसे देखें, मान लीजिए कि आप इसी समय इस धरती के राजा बन जाते हैं और आपको तृप्ति नहीं मिली, तो हमने आपको सौर मंडल का राजा बना दिया, तृप्ति नहीं मिली। हमने आपको ब्रह्मांड का राजा बना दिया, तृप्ति नहीं मिली। अगर आप वाकई इसे देखें तो आप जिसकी इच्छा रखते हैं वो अनंत है। आपकी आकांक्षा बहुत अच्छी है, लेकिन तरीका तकलीफ देने वाला है। मान लीजिए आज आप अपनी कार चला रहे थे और आपने चांद देखा और आप में वहां जाने की इच्छा हुई। अगर आप वाकई एक्सेलरेटर पूरा दबा दें तो आप चांद तक जा सकते हैं। अगर आप बहुत जबरदस्त कोशिश करें तो आप चांद से परे जा सकते हैं, लेकिन चांद पर नहीं पहुंच सकते। हां या ना? क्योंकि कार चांद पर जाने के लिए उचित वाहन नहीं है। आपको चांद पर जाने के लिए दूसरी तरह के वाहन की जरूरत है। इसी तरह से यहां हम भौतिक तरीकों से अनंत बनने की कोशिश कर रहे हैं। आकांक्षा बहुत अच्छी है, लेकिन वाहन तकलीफ देने वाला है, क्योंकि भौतिक की प्रकृति ऐसी है। फिजिकल मीन्स इट कम्स विद अ डिफाइंड बाउंड्री। भौतिक का मतलब है सीमाओं का तय होना। सिर्फ सीमाएं तय होने की वजह से ही हम इसे भौतिक शरीर कह सकते हैं। अगर मैं इसकी सभी सीमाएं हटा दूं, ये हर जगह हो, तो क्या आप इसे एक भौतिक शरीर कह सकते हैं? भौतिकता मतलब भौतिकता की बुनियादी प्रकृति है एक तय सीमा। एक सीमा के बिना भौतिक प्रकृति नहीं हो सकती। लेकिन फिलहाल आपके भीतर कुछ ऐसा है जो लगातार सीमाएं तोड़ने की इच्छा रखता है। बस खुद को देखिए। मान लीजिए हम आपको एक 5x5 के कमरे में कैद कर दें तो आप बहुत दुखी होंगे। कल हम आपकी मुक्ति की घोषणा करें और आपको 10x10 के कमरे में डाल दें तो एक दिन बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आप फिर से दुखी हो जाएंगे। परसों हम आपको 100x100 के कमरे में डाल दें तो आप 3 दिनों तक बहुत अच्छा महसूस करेंगे, लेकिन फिर से वही होगा। मैं ये कह रहा हूं कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि सीमा कितनी बड़ी है। जैसे ही आपको एहसास होता है कि सीमा है तो आप उसे तोड़ना चाहते हैं। हाँ या ना? इंसान की यही प्रकृति है। इससे भी फर्क नहीं पड़ता। हर तरह के आशावादी सिद्धांत सिखाए गए हैं, जितना है उसी से खुश रहो, ज्यादा की इच्छा मत करो, हर तरह की बातें। ये एक भी इंसान के काम नहीं आई है। ये तभी काम करती हैं जब आप बीमार होते हैं या मरने वाले होते हैं। आप आज बीमार हैं और मैं आपसे कहता हूं किसी चीज की इच्छा मत करो, जो है उसमें संतोष करो। आप कहेंगे हां, जो बोलो मैं करूंगा, बस मेरी बीमारी ठीक कर दो। कल ऊर्जा फिर से आ जाए तो कुछ और पाने के लिए तैयार। हाँ या ना? जब आपकी हालत खराब होती है सिर्फ तभी ये शिक्षाएं काम करती हैं। एक स्वस्थ जीवंत इंसान के लिए ऐसे सिद्धांत काम नहीं करते कि जितना है उसी में खुश रहो। तो क्या इसका मतलब ये है कि इंसान हमेशा के लिए दुखी रहेगा और संघर्ष करता रहेगा? नहीं, हमारी इच्छाओं का स्वभाव बस ऐसा है। मूल बात यही है कि कोई भी चीज हमें तृप्त नहीं कर सकती जब तक हम असीम स्थिति को स्पर्श न करें, और असीमता भौतिकता की सीमाओं में घटित नहीं हो सकती। भौतिकता की सीमाओं से मेरा मतलब है अभी आपका जीवन का पूरा अनुभव सिर्फ भौतिक तक सीमित है। देखिए, आप जीवन को फिलहाल अनुभव कर रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आप सूंघ सकते हैं, आप चख और छू सकते हैं। यही एकमात्र तरीका है जिससे आप जानते हैं कि आप यहां हैं, है ना? आप 5 इंद्रियों के माध्यम से ही हर चीज का अनुभव कर रहे हैं। ये 5 इंद्रियां भौतिक से परे किसी चीज का अनुभव नहीं कर सकती। आप बस भौतिक को देख सकते हैं, आप भौतिक को सुन सकते हैं, आप भौतिक को ही सूंघ, चख और छू सकते हैं। जो भौतिक नहीं है वो इन 5 इंद्रियों के दायरे में नहीं आता। तो अगर आप इंद्रियों से परे नहीं जाते तो भौतिक से परे किसी भी चीज का अनुभव करने की कोई संभावना नहीं है। अगर आप भौतिकता से परे किसी चीज का अनुभव नहीं करते तो कुछ ज्यादा और कुछ ज्यादा बनने की ये इच्छा जो लगातार उठ रही है,
आप कुछ ज्यादा की तलाश नहीं कर रहे, आप सब कुछ पाना चाहते हैं, और सब कुछ भौतिक साधनों से संभव नहीं है।